हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है, आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी। एंड आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि भाई B2B सेल्स में वो कौन सी टेक्निक्स मुझे यूज करनी चाहिए जिससे मेरा कन्वर्जन का पोटेंशियल बढ़ जाए, यानी वो संभावना बढ़ जाए कि मेरा क्लाइंट क्लोज होगा, डील क्लोज होगी। तो उसके लिए मैं आपको 6 अलग अलग चीजें बताने वाली हूँ जो एज टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो फॉर B2B सेल्स। माइंड यू, B2B सेल्स और B2C सेल्स में बहुत फर्क है। मेजॉरिटी लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो B2B और B2C को सेम ही मानते हैं, एक ही चीज मानते हैं। भले आप दोनों तरफ इंसानों से ही डील कर रहे हो, वो मैं 100% अग्री करती हूँ, बेसिक्स ऑफ सेल्स रिमेन्स द सेम, बट बहुत सारे बहुत माइन्यूट, बहुत बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन है B2B और B2C के सेल्स में, राइट। सो B2B में विनिंग चीजें आपको क्या करनी चाहिए, किन चीजों पे, किन बातों पे आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए, कौन सी वो टेक्निक्स है जो आपको यूज करनी चाहिए जिससे आपका पोटेंशियल ऑफ क्लोजिंग बढ़े, इस पे ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो अंत तक जरूर से देखिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन। बहुत लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया है, सो प्लीज क्लिक द बेल आइकन ताकि हर सैटरडे जब हमारा वीडियो आए आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी अमंग द फर्स्ट वंस टू टेक द बेनिफिट। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। टेक्निक नंबर 1 इन सेल्स फॉर B2B। सी B2B सेल्स है ना, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका सेल्स प्रोसेस का क्लियर होना। क्योंकि कभी भी आप ये नहीं कर सकते, कभी भी फोन उठाया, कभी भी ईमेल कर दिया, कभी भी व्हाट्सएप कर दिया, कभी भी कुछ भी कर दिया, मन किया उस तरह से आपने बिहेव किया। B2B सेल्स में ये नहीं चलता। क्यों? क्योंकि सामने बिजनेस टू बिजनेस आप सेल कर रहे हो, सामने जो इंसान आपका बायर है वो बहुत अनुभवी है, उसको दिन में 10 लोग 10 अलग चीजें बेचते हैं, वो खुद 10 लोगों को 10 चीजें बेचता है, तो वो काफी नोन है। एंड ऑल्सो आजकल के जमाने में और क्लाइंट और कस्टमर B2B B2C नो मैटर, वो बहुत ज्यादा सेल्फ एजुकेटेड है, उसने बहुत रिसर्च ऑलरेडी करके रखी है, उसको सब पता है क्या है, किस तरह से कैसा है, उसको उल्लू नहीं बना सकते। इसीलिए आपका प्रोसेस सेट होना बहुत जरूरी है ताकि वो कोई गूगली डाले तो आप इधर उधर गुम ना हो जाओ। यू नो कि एग्जैक्टली मेरा प्रोसेस क्या है, मुझे क्या बोलना है, किस तरह से, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। अगर आपको सेल्स प्रोसेस क्या होता है, उसको कैसे सेट किया जाता है ये नहीं पता, तो प्लीज ये वीडियो जरूर से देखिएगा। ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, ये पूरा वीडियो आप देखिए ये वीडियो खत्म होने के बाद, ताकि आपको उसका पूरा आइडिया आ जाए। ओके, सो पहली चीज है कि सेल्स प्रोसेस का क्लियर होना बहुत जरूरी है। सेकेंड, B2B सेल्स इज ऑल अबाउट अथॉरिटी बिल्डिंग, हायर कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी बिल्डिंग। आप जैसे टेलीकॉल करते हो या जैसे B2B सेल्स करते हो, वो टाइप की गिमिक्स वहां पे नहीं चलती। आपकी अथॉरिटी, आपकी एक्सपर्टीज आपके बिजनेस या सर्विस या प्रोडक्ट को लेके दिखनी चाहिए। वो कैसे दिखेगी? तो सपोज आपका क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्जेशन है ना, उससे आपकी अथॉरिटी और एक्सपर्टीज दिखेगी। अगर आप B2B सेल्स कर रहे हो और आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट, सर्विस, फीचर्स के बारे में बातें कर रहे हो, जो हम यूजुअली करते हैं सेल्स में, जो वैसे भी गलत प्रैक्टिस है, पर आउट ऑफ नर्वसनेस और बीइंग नॉट प्रिपेयर्ड या प्रोसेस सेट नहीं है, इस वजह से हम उसी के बारे में पोपट की तरह बोलते रहते हैं, ये नहीं चलता। आप B2B में बात कर रहे हो, सामने अच्छे पोजिशन पे या अच्छा स्ट्रेचर का क्लाइंट है, उसके साथ आप बात कर रहे हो, तो आपको वो इंडस्ट्री या आपकी प्रोडक्ट को लेके, आपकी सर्विस को लेके कोई इनसाइट्स उनसे शेयर करनी है कि सर मैंने ये डेफिनेटली मिस्टर पुजारी मैंने ये डेफिनेटली सुना है कि आपकी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो इंडस्ट्री है, उसमें ये डिफिकल्टीज आ रही है, पिछले इतने साल में ये हो गया है, ऐसा हो गया है, दीज आर द चैलेंजेस पीपल आर फेसिंग, एंड अभी तो ये भी नया मैंने सुना है कि ये भी हमारे इंडस्ट्री में नया प्रोग्रेस होने वाला है, दिस इज द रिसर्च, दिस इज द डेवलपमेंट, अरे जर्मनी में इसमें ऐसा, इस इंडस्ट्री में इस इंसान ने ऐसा किया है। ये जब आप इंडस्ट्री नॉलेज, प्रोडक्ट सर्विस रिलेटेड नॉलेज, थोड़ा वैल्यू गिविंग कॉन्वर्जेशन करते हो, तो सामने वाले को आपकी अथॉरिटी और एक्सपर्टीज समझ में आती है। वरना ऐसा लगता है कि ये इतने सारे लोगों में से वन मोर पर्सन है जो बस चालू है लगातार सेल 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 सेल, क्लोज क्लोज क्लोज, जो उनको सिखाया जाता है, जो हमको सिखाया जाता है ना, क्लोज क्लोज क्लोज। B2B में भी लोग उसी पे फोकस करते हैं, पर वो नहीं करना है। देयर गोज माई थर्ड पॉइंट। थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि नो प्रेशर क्लोजिंग। B2B में प्रेशर से क्लोजिंग नहीं चलता है। आप पुशी
होके कि सर कर दो ये नहीं चलता है। आपको कॉन्वर्जेशंस, उनका कनेक्शन, वो बातें इतनी वैल्यू गिविंग और इतनी हाई क्वालिटी की रखनी है कि वो क्लोजिंग भी ऑटोमेटिक फ्लो में ही आ जाए, वो अपने आप होना चाहिए। उस पर इतना जोर और यू नो वो चीजी लाइंस बोल दी और ये बोल दिया और उनको बता दिया कि ये तो तुम्हारे हार्ट से चला जाएगा, वो सब नहीं चलता है। बी टू बी डजंट वर्क लाइक दैट। सो नो प्रेशर क्लोजिंग इज द थर्ड थिंग। नेक्स्ट, यू नीड टू नो हु द डिसीजन मेकर इज, क्योंकि जब भी बी टू बी में सेल्स करते हैं, डिसीजन कौन लेने वाला है, फाइनल कॉल किसका होने वाला है, वो आइडेंटिफाई करने की ही पूरी गेम है। कभी कभार ऐसा होता है कि वही डिसीजन लेने के लिए 7 लोगों की सहमति लगती है। तो आपको जो भी आप कॉन्वर्जेशंस कर रहे हो, जिसके भी साथ बात कर रहे हो, जिसके भी साथ टच में आ रहे हो, आपको आइडेंटिफाई करना है बातों से कि कौन है मेन डिसीजन मेकर। और जो भी डिसीजन मेकर की चेन है उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पे है ना, उसको आप बेचने का प्रयास करो, उसके साथ बातचीत करने का प्रयास करो, उसके साथ कनेक्शन और रैपो बनाने का प्रयास करो। क्योंकि ये नीचे से इसको बोलेगा, उसको बोलेगा, उसको, ये लोगों को ना बोलने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है ना, तुरंत ना बोल देते कि नहीं चाहिए। परचेज हेड होते हैं या बायर्स होते हैं, उनको ना बोलने की तो प्रैक्टिस ही है उनके पास। हम एज अ वेंडर अगर बेचने जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्वर्जेशन और हमारा तरीका ही वैसा होता है। अगर आप बिजनेस ओनर हो, आपको यहाँ ये जो लैडर में जितना ऊपर आप पकड़ सको उतना ऊपर वाले इंसान को पकड़ना है और उसके साथ रैपो बिल्ड करके उसको प्रयास करना है कि आप सेल करो अपनी प्रोडक्ट और सर्विस, ओके, जितना टॉप लाइन पे जा सको। इसीलिए डिसीजन मेकर कौन है, कितने हैं, उनका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कैसा है, किस तरह से वो डिसीजंस लेते हैं, ये सारी चीजों का पता होना आपको जरूरी है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन बी टू बी सेल्स। वरना आप मेहनत करते चले जाओगे, ईमेल करते चले जाओगे, आप लिंक्डइन पे कनेक्शन भेजते जाओगे, जो भी बन पड़ता है आपको जितना आता है वो सब करते जाओगे पर रिजल्ट नहीं आएगा, ओके, बिकॉज आप राइट इंसान को नहीं बोल रहे। आपका मैसेज राइट है, तरीका में भी राइट है, सब कुछ राइट है, पर जिस इंसान को आप बोल रहे हो वो राइट नहीं है, ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, टेक्निक नंबर 5 या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है आपके कस्टमर के चैलेंजेस आपको पता होने चाहिए। यू नीड टू नो देयर चैलेंजेस, देयर पेन पॉइंट्स, आपकी बिजनेस या सर्विस को लेके उनको कहाँ दर्द है, क्यों वो चीज जो आप दे रहे हो, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या जो प्रोडक्ट दे रहे हो, उनकी उनको क्यों जरूरत है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनके लिए सॉल्व कर सकता है, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और वो क्या करता है और हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, अरे उसको ये और वो नहीं चाहिए, उसको सिंपल सोल्यूशन चाहिए वो जो चैलेंज फेस कर रहा है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके लिए। तो पूरी भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सवाल पूछा है ना सिर्फ उस सवाल का आंसर उनको चाहिए। तो ये सवाल उनका क्या है, मे बी वो डायरेक्टली बोले, मे बी वो ना बोले, तो आपको उस तरह से उनको सुनना है कि उनकी चैलेंजेस और पेन पॉइंट्स आपको पता चले, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी टू बी सेल्स में आप जब भी कोई भी टाइप का कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, कोई भी टाइप की बात, ईमेल, मीटिंग, मैसेजिंग, फेस टू फेस, जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग, जो भी कर रहे हो, आपका नेक्स्ट फॉरवर्डिंग स्टेप बहुत क्लियर होना चाहिए। व्हेन आई से नेक्स्ट फॉरवर्डिंग स्टेप, यानी क्या कि इसके बाद हम कब बात करेंगे, कितने बजे बात करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे, गूगल मीट पे बात करेंगे, तो मैं आपको इन्वाइट भेज रहा हूँ, आप एक्सेप्ट कर दीजिए। अगर आप जूम पे बात कर रहे हो तो जूम की लिंक उन्होंने भी कंफर्म कर लिया, हाँ। अगर आप फेस टू फेस मिलने वाले हो तो आपकी डायरीज में आ गया, गूगल कैलेंडर्स में आ गया। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, उसकी क्लैरिटी। ऐसा नहीं कि मैं बुधवार को फोन, हाँ सर बुधवार को फोन करता हूँ, ना टाइम पता है, ना क्यों फोन करना है वो पता है, कुछ नहीं पता। सो नेक्स्ट कॉल पे आप क्या बात करोगे और क्यों बात करोगे, कब बात करोगे, वो भी डिसाइड होना चाहिए। कि सपोज मुकेश जी हम अगली बार बात करेंगे जिसमें हम पूरी क्लैरिटी कर लेंगे कि भाई एग्जैक्टली आपकी ये रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको जो भेजा है वो आप एक बार रिव्यू कर लेना, साथ में बैठ के अगर आपको कोई भी सवाल है तो हम सवाल के आंसर्स उस दिन हम सॉल्व कर लेंगे एंड हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट। सो हम वेनसडे मिल रहे हैं इसी बात को डिस्कस करने के लिए 10 बजे गूगल मीट पे। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ या इन्विटेशन भेज देता हूँ, प्लीज कन्फर्म कर दीजिए। सिंपल, दिस इज हाउ इट शुड क्लोज, जहां आपको और उनको दोनों को प्रॉपर क्लैरिटी है कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं।
अथॉरिटी बिल्डिंग ये सबका बेस है. आपको अथॉरिटी से, पावर से और कॉन्फिडेंस प्लस होके बात करनी है. अगर आप ढीले ढीले बात करोगे, लो कॉन्फिडेंस से बात करोगे, हाँ सर दे दीजिए ना सर, कर लीजिए ना सर, ले लीजिए ना सर, तो कुछ नहीं होने वाला, सर भाग जाएंगे. ओके, क्योंकि पता चल जाता है कि सामने वाले को सेल्स की गरज है. ये B2B में सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, राइट? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आई एम श्योर पसंद आया है. सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड आप ये 6 के 6 टेक्निक्स में से, 6 के 6 पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, उसमें से किस पे गौर करने वाले हो वो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिएगा. और उसके अलावा कोई और पॉइंट आपको ऐड करना है तो प्लीज वो भी हमारी कम्युनिटी से शेयर कीजिएगा फॉर B2B सेल्स. और भी ऐसे वीडियोज में सेल्स पे लिखे आऊंगी. आपका कोई सजेशन है तो प्लीज #HeyD करके प्लीज डू सजेस्ट. आज का भी वीडियो जो था वो सजेस्टेड वीडियो था, बहुत लोगों ने B2B सेल्स पे मुझे बोला था, तो थैंक यू सो मच कि आपने सजेस्ट किया तो हम इस पे वीडियो बना पाए. अगर आपको सेल्स में एफर्टलेसली अपने टारगेट्स को अचीव करना है, एफर्टलेसली मैजिकल सेल्स पर्सन बनना है, अपने बिजनेस के ग्रोथ को फैसिलिटेट करना है जस्ट बाई इम्प्रूविंग योर सेलिंग स्किल्स, प्लीज डोंट मिस आउट द एफर्टलेस सेल्स फॉर्मूला ऑनलाइन कोर्स. नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, लिंक पे जाइए, प्लीज क्लिक द लिंक एंड बाय द कोर्स. इट्स अ लाइफ टाइम एक्सेस. एक बार आपने ये कोर्स कर लिया, आई एम श्योर आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, आप जिस तरह से रिजल्ट्स अट्रैक्ट कर रहे हो, ये जितने भी लोगों ने सेल्स कोर्स किया है ना, गारंटी है कि अगर सपोज आपने सेल पहले आप करते थे कॉल और मैसेजेस और ईमेल्स और रिजल्ट नहीं आया, ये कोर्स करने की इमीडिएटली बाद लोगों के रिजल्ट शुरू हो गए. ड्यूरिंग द कोर्स इटसेल्फ लोगों के रिजल्ट आना शुरू हो गए. सो बहुत बहुत अमेजिंग है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम. डू नॉट मिस आउट. इफ यू वॉन्ट कि आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ लाना है, अपने बिजनेस की सेल्स में ग्रोथ लाना है, तो प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दिस ट्रेनिंग. सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए एंड बाय द कोर्स एंड एक्सेस इट इमीडिएटली. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. हम अगले शनिवार फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. Until next time, bye.